नेक्स्ट एक्शन एंड फाइनल आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप क्या रहेगा, एंजल की गाइडेंस क्या रहेगी। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ एक गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है और आपको ऐसे ही फॉलो करनी है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो चलिए, ऐसे गाइस जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे हैं, अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, सभी लोगों का जैसे बहुत वेलकम एंड थैंक यू। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, आप प्लीज़ आ जाइए और मुझे मदद कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जी आपके पर्सन कहीं तो स्टक है, चले गए हैं। आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ये पर्सन आपके लाइफ में तो नहीं है अभी, इस वक्त चले गए हैं। जहाँ कहीं भी ये पर्सन उनका बोझ उठा रहे हैं, स्टक है अपने लाइफ में, कोई भी एक्शन नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं है। वैसे एक्शन की एनर्जी तो नहीं है आपके पर्सन की, इस वक्त वही हैवी एनर्जी आ रही कि जहाँ कहीं भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक है आपके पर्सन। जी धोखा बिटल किया है आपके पर्सन ने, आपके साथ चीटिंग किया है, हाँ, या फिर इनके लाइफ में इनके साथ किसी ने किया है, जस्टिस की बात आ रही इनके लाइफ में। यूनियन करना चाहते हैं पर्सन, आपको जस्टिस देना चाहते, आपको फैमिलियर मानते हैं ये पर्सन, वापस आपके लाइफ में आना चाहते, आपके लिए आपके पर्सन के मन में ट्रू अनकंडीशनल प्यारा भाव चुका है ये पर्सन। इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल इस पर्सन ने आपको डिटैच करके रखा है, बात नहीं हो रही, या तो इनके लाइफ में ये बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जा रहे हैं, इनको काफ़ी सारा काम करना पड़ रहा है। एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पर्सन के लाइफ में है, अगर थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, थर्ड पार्टी एंड उनके सराउंडिंग लोगों का सबका बर्डन ही अकेला बंदा उठाए जा रहा है, ऐसे लगता है आपके पर्सन को, जहाँ कहीं भी वहाँ पे स्टक है। अब आर्कएंजल माइकल ने मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे, दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया। तो ये पर्सन अपने आप को या फिर अपनी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको जस्टिस देना चाहते। हो सकता है जहाँ कहीं भी आपके पर्सन गए हैं, जिनके साथ भी, अगर वो उनके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लीगल इशू चल रहे, एक स्टकनेस की एनर्जी आ रही, बार बार यहाँ पे कोर्ट की वाइब मुझे आ रही है। तो हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स की बात चल रही है, या फिर ऐसा कुछ चल रहा है कि सेपरेशन की बात हो रही, कि एक दूसरे के साथ एक दूसरे से अलग रहते हैं। बट इस पर्सन ने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, इन्होंने भी ऑप्शन के रहते आपको छोड़कर चले गए हैं, और आप इस रिलेशनशिप का अकेला बोझ उठाते हुए आप रहे हैं। जैसे जैसे कह रहे हैं आपने तो अपने आप को बैलेंस कर लिया। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चला तो गया वहाँ पे, बहुत अच्छा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ गाजर दिखाया होगा आपके पर्सन को, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर्सन गए भी होंगे वहाँ, जाने के बाद आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर फंस गए, तो अपने आप को बहुत फंसा हुआ लाचार समझते हैं आपके पर्सन। जैसे कि इनके हाथ पांव बांध दिए, इनके आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी, इनके हाथ पांव बांध दिए और इनके आने जाने के रास्ते के ऊपर रोक लगा दी है। बड़े पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना चाहते हैं ये पर्सन। थ्री ऑफ कप, रिस्क उठाना चाहते हैं ये पर्सन। जो भी हुआ है लाइफ में इट्स ओके, बट आपके पर्सन के मन में एक डर हमेशा है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ये डर आपके पर्सन के मन में है। इनको इनिशिएट करना है आपसे, और आपसे इनिशिएट करने के लिए जो भी स्टेप उठाना ज़रूरी है हम उठा लेंगे भाई। बट यहाँ पर बात यही है, उस लाइफ में
जो बर्डन आपके पर्सन कैरी कर रहे उससे परेशान होकर ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे, जो गया था वो वापस आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ में, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में जी आपके कितना परफेक्टली बोलो, देखिए यहाँ पे भी चैरिट है, यहाँ पे भी चैरिट है। निकलने के बाद ये पर्सन आपके साथ ट्रू अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं गाइस, ये दो बार आपके लाइफ में आना चाहते हैं। सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में इतनी ठीक तो नहीं है, इस पर्सन के एक्शन में भले ही देरी है, इमैच्योरिटी है, क्योंकि आपके पर्सन क्रॉस रोड पर खड़े अभी भी कन्फ्यूज में है। आना है इनको, बट आने की एनर्जी में कन्फ्यूज़न है, बट ये कन्फ्यूज़न भी हट जाएगा, पर्सन आ जाएंगे। अगर आपके फैमिली आपके पर्सन के साथ बच्चे, तो डेफिनेटली पर्सन फैमिली बच्चों को देखकर आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। अदरवाइज अगर वहाँ पे आपके पर्सन बच्चों के कारण स्टक थे, मीन्स इनके वहाँ पे शादी और बच्चे हैं उनके कारण स्टक है, तो वहाँ से भी आपके पर्सन को कोई ना कोई रास्ता मिला है, या फिर आपके पर्सन ऐसे रास्ते के खोज में और बहुत करीब है। इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते, अंदाज़ा है इस पर्सन को, एक तरफा प्यार आपने किया था और आपके मिस डेडिकेशन आपका था इस रिलेशनशिप में, और बेनिफिट आपके पर्सन ने लिया पर। शायद अब पर्सन ये बातें इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते। टू ऑफ कप की एनर्जी, जी हाँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, डिफरेंसेस बहुत है, रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, इसकी वजह से रिलेशनशिप हैंग है। कोई लेडी है यहाँ पे, अभी इनकी स्पाउस हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, बट ऐसी लेडी जिसके हाथ में सारी पावर है, सत्ता है, और उसने कंट्रोल करके रखी आपके पर्सन की लाइफ, और ऐसे आपका रिलेशनशिप भी कंट्रोल हुआ जा रहा है या फिर हैंग हो गया है इस लेडी की वजह से। बट आपके पर्सन ने इस लेडी को या तो कन्विंस किया है या तो मैनिपुलेट किया है। आपके पर्सन आपको लेकर ये सोचते हैं कि इन्होंने अपने सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्री डाल दी थी और आपको इस रिलेशनशिप में हैंग करके स्टक करके ये पर्सन चले गए थे। बट यहाँ पे अगर आप किसी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो पर्सन लाइफ में आने के लिए, तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन एक क्रिएटिव के एनर्जी में आते हुए दिख रहे, आपसे जुड़ते हुए दिख रहे। जस्टिस की बात मैं बोलूँ तो यस, डेफिनेटली आपकी विश ग्रांट हो रही है। सोच रहे थे आप कि आपके पर्सन आए, रिलेशनशिप के बारे में सोचे, उसको आगे लेके ले जाने के बारे में सोचे, तो ये करते हुए दिख रहे आपके पर्सन। टेन ऑफ कप की एनर्जी, जी यहाँ पे डेवी नज़र लगी है। अगर आपके आपके पर्सन के साथ शादी हुई है, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को नज़र लगी है। अगर आपके पर्सन इमोशनली आपके साथ अनअवेलेबल है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर, जो आपके पर्सन आपके साथ जुड़े नहीं इस कारण, या फिर आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड हैं तो वो बहुत टॉक्सिक पार्टनर है आपके पर्सन के लाइफ में। चैरिट की बात, जी हाँ, आना चाहते हैं, कंप्लीटली आना चाहते हैं, 100% आने की एनर्जी है, मेन एनर्जी में नहीं आया, क्लेरिफिकेशन के एनर्जी में है। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके पर्सन को आपसे जुड़ने की, आपसे रिलेशनशिप रखने की। थ्री ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा है सिक्स ऑफ वैंड्स, सक्सेसफुल विक्ट्री है, एक्सपांशन में सक्सेसफुल विक्ट्री है, सोच समझ कर प्लानिंग की जा रही है, पेशेंस से काम ले रहे आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई करा है किंग ऑफ सोर्ट्स, जी यूनियन, टू ऑफ कप, ये ब्लॉकिंग कोल्ड शोल्डर वाला गेम जो मिररिंग कर रहे थे आप दोनों एक दूसरे को लेकर, तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, यूनियन होता हुआ दिख रहा है, इस यूनियन इज ऑन योर वे मुझे दिख रहा है। ये हो गई करंट एनर्जी आपके पर्सन की। वैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है और अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। एंजल माइकल, डियर एंजल राफेल, प्लीज आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। इस वक्त तो अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, कुछ टाइम ऐसा ही जाएगा,
बट ये आते हुए दिख रहे, फाइनली एक अपने पावर में आते हुए दिख रहे आपके पास तक, इनर स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती हुई दिख रही है, बैलेंसिंग की एनर्जी टू सिचुएशन लगातार है आपके पर्सन में बनी रहेंगी आगे भी, बट ये बैलेंस कर लेंगे, आएंगे आपको अनकंडीशनल लव ऑफर करेंगे आपके पर्सन, बातें होंगी अच्छी खासी, रिलेशनशिप अच्छा जाएगा लविंग रोमांटिक वे में, चेटिंग की एनर्जी, बट ये आप पे बच के रहिएगा, पर्सन वापिस धोखा देकर आपसे भाग सकते हैं। पार्टी वेयर एनिमल है, मिलने के लिए बुलाएंगे ये पर्सन आपसे किसी के लिए बात आ रही है, कई डेट पे जाते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं, तो अकेले मत जाइएगा या फिर कुछ ना कुछ सोच समझ के जाइएगा, क्योंकि चीटर की एनर्जी के साथ आ रहे हैं। खान पीन के ऊपर ध्यान रखिएगा, कुछ पीते हैं कुछ खाते इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। वैसे पर्सन के मन में खोट तो नहीं दिख रही है, बट हाँ चीटिंग करके भाग सकते हैं वापिस ये पर्सन। फाइव पेंटेकल की एनर्जी की है, बहुत आगे इतने नहीं लूँगी, जाके जमा के लेके बताइए। फाइव पेंटेकल की एनर्जी का जी, बहुत अकेला कर दिया था इस पर्सन ने आपको अपने लाइफ में, माफ़ी मांगेंगे, प्रपोज करेंगे आपको। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई करा है फोर ऑफ पेंटेकल, लेट गो तो नहीं करेंगे, पर्सन आपको लेकर काफ़ी कंट्रोलिंग है, पॉजिटिव होते हुए दिख रहे, थोड़ा इनसिक्योरिटी इश्यूज है गाइस, इट्स रेड फ्लैग। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताइए, हाँ पर्सन एफर्ट लेंगे, काम करेंगे आपकी रिलेशनशिप की लेकर। टू ऑफ पेंटेकल की एनर्जी बताइए मुझे, बस जैसे जी हाँ है, यहाँ पे थर्ड पार्टी मौजूद है जिसके कारण ये पर्सन वापस आपको गोस्ट कर सकते हैं, ये वापस जा सकते हैं। अब तो माफ़ी वगैरह सब कुछ मांग लेंगे, बट मैंने बोला थर्ड पार्टी छोड़ी नहीं है, थर्ड पार्टी को आप बैलेंस कर रहे हैं, आपको झूठ बोलकर अगर आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या तो इस चीटर को लाइफ में आने ही नहीं देना है आपको, बट अगर आपको पता है इनकी सिचुएशन एंड आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी है तो अलर्ट रहेगा, सावध रहेगा, क्योंकि आगे चलकर फिर आपको ये हार्ट ब्रेक वाला पेन ना हो। एस ऑफ हैंड्स आ तो रहे ये पर्सन आपकी लाइफ में जी, इनके एक्शन आने की एक्शन है यहाँ पे, किंग ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है जी, यहाँ पे दो लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, या तो ऑलरेडी अगर ये कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज में है, मैनिफेस्ट आप दिन रात कर रहे, पर्सन वापस आपके लाइफ में आए, आपको वो अनकंडीशनल स्टेबल लव दे, तो ये होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो ये पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे, आपकी विश ग्रांट हो रही है, आप जैसा चाह रहे वैसा सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे पर्दे के पीछे एक सच ये भी है कि थर्ड पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं है, उसको भी बराबर लेके चल रहे, प्यार आपको आपके पर्सन का 100% मिलने वाला है। सेवन ऑफ सोर्स, ये कहीं और मैरिड है तब तो बात बोली नहीं, उसको चीटर नहीं बोल सकते, हाँ बट ये कमिटमेंट फ्रीक बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल रहेंगे आपके पर्सन, बोलेंगे तो यही कि अनकंडीशनल प्यार करते हैं, या फिर आपके ओर से जा रहा है अनकंडीशनल लव, आपके पर्सन से एनर्जी आ रही है, वो प्रैक्टिकलिटी की आ रही है, तो आपको ऐसे लग सकता है कि फिर से आपसे एक इमोशनल स्कैंडल करके चले गए पर्सन, आपके साथ भावनाओं के साथ खेल कर चला गया। थ्री ऑफ कप, या तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से इनको डील कीजिएगा। थ्री ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप एंड नाइन ऑफ पेंटेकल, इंडिपेंडेंट है आप, स्ट्रांग है, पावरफुल है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इसके लिए भी जुड़ते हैं पर्सन, फिर सब कुछ आप अच्छे से कर देते हो, इनका बाहर जाना घूमना फिरना डेटिंग वेटिंग, इनको बड़ा आराम कम्फर्टेबल लविंग रोमांटिक माहौल आप देते और इन्जॉय करते हुए दिख रहे आप दोनों एक दूसरे के साथ। फाइव ऑफ कप की एनर्जी, फाइव ऑफ कप को फाइव ऑफ कप भी क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ हैंड्स के साथ, मिस तो बहुत करेंगे आप आपके पर्सन को आगे भी चल कर, बट ये होगा कम्युनिकेशन होगा, इस बात के ऊपर कम्युनिकेशन होगा, कुछ ग्रजेस होगा आपके पर्सन को, कोई गिल्ट है, कुछ ग्रजेस है, कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने गलत की, इसके ऊपर काफ़ी बात होगी। चिटिंग की एनर्जी मुझे लग रही है बार बार, ये वापिस जाएंगे, वापिस इसको मिस करेंगे, फिर से स्टार्ट होगी, फिर कम्युनिकेशन होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये फाइव ऑफ कप को जब फाइव ऑफ कप भी क्लेरिफाई कर रहा है तो और क्या बोलना चाहिए, नो की बात आती है, वो रिग्रेट है ये बात, इस बात का भी रिग्रेट होगा आपको कि मुझे पता था ये चीज़ है कि
मैंने वापस इनको अलाउ क्यों किया, क्योंकि हार्ट ब्रेक का पेन लेते हुए दिख रहे आप, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आपके पर्सन के वजह से आपको मिल सकती है कुछ लॉस, इमोशनल लॉस, ये चीज़ें पर्सन आपको देंगे। बट ये चीज़ें निकल भी जाती हैं आपके रिलेशनशिप से, बट जब ये चीज़ें आती है लाइफ में तो दिन भी आपके लिए साल लगने लगता है। अब देखते हैं फाइनल आउटकम क्या है। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल रफाइल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो विदाशी पुरो देख रहे हैं, इनके पर्सन के साथ इनका जो रिलेशनशिप है या फिर इनके पर्सन के एक्शन का फाइनल आउटकम हमें बताइए। विक्ट्री, फोर ऑफ फैंड्स, स्टार, हीलिंग कर रहा है कोई शादी को बचाने के लिए या फिर ट्विन फ्लेम के यूनियन के लिए। इनिशिएटिव होते हुए दिख रहे पर्सन, एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। ग्रजेस तो है भाई, बहुत ज़्यादा ग्रजेस है, थर्ड पार्टी तो मौजूद है रिलेशनशिप में, लवर ट्विन फ्लेम में है। काफ़ी पैशनेट होगा, पैशनेट रिलेशनशिप रहेगा या फिर रहे। इस रिलेशनशिप में लोग बहुत है, उन्होंने लगाए हुए झगड़े तो पता नहीं, उसका उसका तो कोई नाप ही नहीं मेरे पास। जेलस बहुत होते हैं लोग आपके रिलेशनशिप को लेकर, पैशनेट फील है, पर्सन एक्शन लेंगे आपको लेकर, ऐसा नहीं है। डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं आपके भी पर्सन, एफर्ट तो लेंगे पर्सन रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप में सीक्रेटिव रखेंगे, हिडन रखेंगे, हो सकता है दोनों कहीं और मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो उसको हिडन ही रखने की डिमांड रहेगी। कुछ फियर रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, वर्कआउट होगा नहीं होगा, बीच में एंड तो नहीं हो जाएगा, चीज़ें काम करेंगे नहीं करेंगे, बट बराबर दोनों में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। इस पर्सन का आना जाना इन आउट लगा रहेगा, कमिटमेंट फ्री के आपके पर्सन कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वहाँ तो कमिटमेंट की बात नहीं आती। फिजिकल रिलेशनशिप इज अ मेन मोटो है शायद आप दोनों के रिलेशनशिप का, या फिर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन हैं, दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, खुद को पता नहीं चलता यू आर अट्रैक्टेड विद दिस पर्सन सो मच। आप अपने लिए आकाशिक रिकॉर्ड का सेशन बुक करवा सकते हैं, वैसे मैंने आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग भी डाली, बट आई डोंट नो ये कब तक अपलोड होगी, बट बहुत बड़ी रीडिंग है और काफ़ी डिटेल नॉलेज मैंने वहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप। आकाशिक रिकॉर्ड के कई सारे प्रकार भी होते हैं, अभी तो मैंने एक ही लिया है, थोड़े थोड़े टाइम में मैं अलग अलग तरीके के स्प्रेड लगाकर आपको रीडिंग दूंगी, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग होती है तो बहुत समय निकाल के बैठना पड़ता है। फाइनल आउटकम में आपके पर्सन के साथ मिलते हुए दिख रहे, बट यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनली शायद ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इनको शायद फिजिकल रिलेशनशिप तक की ये रिलेशनशिप चाहिए, इमोशनली आपके पर्सन इतने आपके साथ जुड़ते नहीं हैं। एस ऑफ पेंटेकल एंड सिक्स ऑफ कप, कुछ करीबी है आपके, या तो रिश्तेदार है या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स है, जो वही लोग हैं जो बार बार झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं, और फिर आप में से ही कुछ म्यूचुअल फ्रेंड ऐसे भी हैं जो आप दोनों को यूनाइट भी कर देते हैं, इनके थ्रू आप एक दूसरे के साथ मिल भी जाते हो, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, आपके पर्सन कुछ ना कुछ एक ऐसा कदम उठाएंगे कि जिससे बॉन्डिंग बढ़ेगी और ये बार बार होने वाले झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। इसमें सुधार होता तो दिख रहा है, झगड़ों में सुधार मीन्स एंड होने के बाद पे चीज़ें, आपके पर्सन बार बार ये चीज़ें टेम्परेंस डिवाइन के ऊपर छोड़ देते या फिर बैलेंस के एनर्जी एंड रिलेशनशिप को बैलेंस तो कर लेंगे, आपके पर्सन एक्शन भी लेंगे प्रॉपर और बैलेंस भी कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो वो अपने अपने आप को थोड़ा पीस में लाएगा, थोड़ा डाउन टू अर्थ लाएगा। डेस्टाइन कनेक्शन है गाइस, डेस्टिनी की डिमांड है, डेस्टिनी की कॉल है रिलेशनशिप, आप भागो वो भागे बट मिलेंगे दोनों एक दूसरे के साथ ही, वही मैं बोल रही हूँ,
इंटीट्यूटिवली आपको ये पता है, यहाँ पे एंजल के माध्यम से भी काफ़ी हीलिंग आपके रिलेशनशिप को की जा रही है, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हीलिंग ले रहे हैं, पेड हीलिंग किसी हीलर्स है, और आर्कएंजल माइकल इस हीलिंग में आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप खुद हीलर हैं तो आप पूरे एफर्ट ले रहे हैं रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, और रिलेशनशिप हो जाएगा स्टेबल में, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रिलेशनशिप में रहेंगी, आपके पर्सन स्टेबल रखेंगे रिलेशनशिप को। यहाँ पे हिड हैंडली थर्ड पार्टी है, एक सिक्रेटिव थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में है, या फिर थर्ड पार्टी से छुपा कर आपके पर्सन बोलेंगे कि इस रिश्ते को हम, इस रिलेशनशिप को हम निभाएंगे। फोर ऑफ कप की एनर्जी को क्लियरिफाई करें, ऐसे यहाँ पे एस की बहुत एनर्जी आ रही है, या तो कोई अपने लाइफ में नया कनेक्शन ढूंढ रहा है, नया कनेक्शन किसी का लाइफ में एंट्री हो चुकी है, और कोई नया कनेक्शन, यहाँ पे झगड़े बहुत होते हैं ना रिलेशनशिप में, तो आपके ही आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या बंदा या बंदी आ सकती है जो आपके एक टाइम में कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, या फिर रिलेटिव्स में रहे हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स का फ्रेंड है, तो ऐसा कोई अगर आपको आ रहा है नया रिश्ता, तो यहाँ पे कोई नए रिश्ते के साथ जाते हुए दिख रहे, और ये मलानी ग्रजेस आपके पर्सन को रहने वाला है कि आपने इनको छोड़कर किसी नया रिलेशनशिप आया है, वहाँ पे आपने उनको चॉइस कर लिया है, या फिर आपके पर्सन के मन में डर रहेगा क्योंकि आपको अगर कोई अप्रोच कर रहे तो आप इनको छोड़कर कहीं और चले तो नहीं जाएंगे। एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, डेथ एंड नाइट ऑफ सोर्स, वही जो एनर्जी है ना, आप दोनों में शायद ये बातें होंगी बाद में, आपको नहीं चाहिए आपके पर्सन का ये जो कमिटमेंट फ्री जो एटीट्यूड है, फ्लर्टिशियस एटीट्यूड है, ये एंड हो जाएगा, इसके ऊपर काम करेंगे आपके पर्सन, और आपके पर्सन के इस एटीट्यूड की वजह से आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों में बहुत है। यहाँ पे आप देखिए फॉर टू ऑफ लवर की एनर्जी आई है, ट्विन फ्लेम फर्स्ट ही रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स, कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है, कोई ये ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है कि दोनों की शादी कहीं और हुई है, दोनों अपने अपने टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, और आप दोनों ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए स्पिरिचुअल फ्रंट थ्रू काम कर रहे हैं कि आपको यूनियन चाहिए। इसमें काफ़ी सारे पंगे आपके पर्सन के, आपके पर्सन की ओर से आपको वो पर्याप्त एक्शन नहीं मिलता बार बार, क्योंकि इनको जब भी मौका मिलता है आपके साथ रहकर आपके लिए स्टैंड उठाना, ये भाग जाता है, इसके लिए आपको आपके पर्सन के ऊपर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है। इनके ओर से जब वो स्ट्रांग पावरफुल एक्शन आएगा आपके टूवर्ड्स, तभी शायद आप आपके पर्सन को रिप्लाई करेंगे या फिर इनको सपोर्ट करेंगे, ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपके पास आता है, बट आपको इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज है। अभी मैरिड एंड मैरिड एक्स्ट्रा मैरिड सबके लिए रीडिंग है, बट यहाँ पे यूनियन तो मुझे दिख रहा है, इतने डिफरेंसेस के बावजूद मुझे यूनियन दिख रहा है। आई डोंट नो ये शादी कैसी होगी, क्या होगी, या फिर शादी जैसा रिलेशनशिप कैसे बनेगा, बट मेरी एनर्जी में बार बार यही बातें आ रही कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, बहुत निगेटिविटी ऑब्स्टेकल का स्ट्रगल आते हैं, बट फाइनली वहाँ पर यूनियन भी दिखता है। अब तो एंजल ही जाने कैसे करेंगे, एंजल क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे दर्शकों के लिए, टेक एक्शन। यहाँ पे है कोई नए की ओर जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है कि हाँ जाओ, किसी को बोला जा रहा है कि मत जाओ। आपको पता है आपके पर्सन मैरिड है, आप सिंगल हैं, और आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, इसे कैसे में यू हैव टू गो, बट आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, और शायद आप रेडी हैं अभी इंट्यूशन के सुनने के लिए भी रेडी है, भी असर्टिव। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो गए, नहीं हुए हैं तो होने की ज़रूरत है। यस, पीसफुल रिजोल्यूशन है लाइफ में आपके, एंड परफेक्ट टाइमिंग भी लाइफ में आने वाला है। सक्सेस, अगेन सक्सेस, सक्सेसफुल है आपका रिलेशनशिप, इंट्यूशन की बात सुनेंगे ना तो सब सक्सेस होना ही होना है। ये थी गाइस मेरी आज की रीडिंग, रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।